हमको छोड़ने को भी तैयार है, एक ही बोलेंगे, लेकिन जरा फैसला करके बताइए कि उसका साथ कैसे, मेरा और अभी अलीगढ़ मुर्तजा का फैसला फरमाया तुम कितने थे, तीन, रोटी कितनी थी, आज आज रोटी के तीन हिस्से बनाओ तो कितने बनेंगे, तो भाई आज ये रोटी का तीन टूटे, जब डॉक्टर भास्कर जी ने आदमी एक साथ खाना खाएंगे तो यही तो सोचा जाएगा ना कि एक रोटी के तीन टुकड़े हुए तीनों ने खा लियो, दूसरी रोटी के तीन टुकड़े हुए तीनों ने खा लियो, तीसरी के तीन टुकड़े तीनों ने खा लियो, और ये पुतला ने फरमाया 24 टुकड़े बनते हैं, कितने टुकड़े आज रोटी के कितने टुकड़े 24, फरमाया तेरी रोटी कितनी थी, तीन, तीन रोटी के टुकड़े बना, तीन तीन अलग अलग कर दे, किसकी मर्जी की दिन थी, टुकड़ों बना 15, जिसने अपने 15 टुकड़ों में से 8 खुद ने खाए, 7 मुसाफिर ने खाए, तेरे 2 टुकड़ों में से 9-8 पूरे खाए, 1 मुसाफिर ने खाए, 1 टुकड़ा 13 बचा है, 7 रुपया इसका होगा, बिल्कुल पानी का पानी दूर कर, ये अंधर के अलीय मुर्तजा का दरबार है। अब वो वाकया भी सुन लें, जो जवाब में बता दीजिएगा, तीन शख्स आए हजरत अली की बात जान, 17 घोड़े लाए, 17 ऊंट लाए, और लाने के बाद ये कहने लगे कि सरकार आप बहुत घोड़े लेके हमारा फैसला आप सबको क्या नहीं कर रहा, फैसला क्या, कहा ये ऊंट 17 इनके से आधे का मालिक तो मैं, एक बजे तो आधे का मालिक मैं हूं, और ये जो हमारा साथी है ये एक तिहाई का मालिक है, और ये जो हमारा दूसरा साथी है ये हमारा शरीर सिर्फ 2% शेयर का है, यानी इसका सिर्फ इसका नवा हिस्सा है, नवा हिस्सा इसका, इसका नवा हिस्सा, इसका एक तिहाई हिस्सा, मेरा आधा हिस्सा, वो मार दीजिए, लेकिन ऊंट कटने नहीं चाहिए, ऊंट कटने नहीं चाहिए, वरना कोई भी मार देता, ऊंट काट काट के कोई भी मार देता, जिसको आधा चाहिए उसे चाहे उसे चाहे आठ टुकड़े दिया जाता, जिसे एक तिहाई चाहिए उसे 5 टुकड़े पूरे और 2.5 उसको दे दिया जाता, वो हाथ करता, और चाहे जो दूसरा है नवा हिस्सा जिसका है तो क्योंकि अठारह तो है नहीं किसको दो लीटर, ऊंट तो 17 है तो इसको करीब करीब 2.5 लीटर मुझको कटेगा, दरबारी देख रहे आज तक ऐसा फैसला हजरत अली के दरबार में भी नहीं आया है, हजरत अली का फैसला मशहूर तो बहुत है, लेकिन ऐसा फैसला सब सरे सरे के बैठे कि देखा हजरत अली मुकदार फैसला कैसा करते हैं, मुंह तो कटेगा, हजरत अली मुकदार ने देर नहीं लगाई, अपने गुलाम पंद्रह से बढ़ाया कि जरा मेरे अतर से मेरा भी ऊंट उठा ले, एक ऊंट ला मेरा एक ऊंट ले आए, फरमाया सबको लाइन से खड़ा कर लो, सत्रह ऊंट वो लाइन से खड़े थे, आपने अपना एक अठारह हुआ ऊंट वहां बगल में खड़ा कर दिया, आपने फरमाया मरने से दो ये ऊंट कितने हैं, फरमाया लोगों ने अठारह, और आखिरी ये सोच रहे थे यार हजरत अली मुर्तजा फैसला करने में अपना नुकसान उठाएंगे, अपने एक ऊंट का नुकसान उठाएंगे और उनकी शर्त को पूरी करेंगे, किसी को देगा किसी को भी ऊंट काट करके नहीं देंगे, हजरत अली मुर्तजा ने फरमाया अब मेरा ऊंट बैठ चुका है, खड़ा हो चुका है, पूरे 18 है, ए बंदे तेरा कितना आधा, फरमाया 8 ले जा, क्योंकि क्या याद करेगा अली के पास गया था, नौ लेगा पूरी तैयार करेगा अली के पास गया था, वो
सही आधा है यू कहो कि पूरा एक ऊंट से लिया उसे से उसने नहीं होगा क्या जल्दी से उसे लाल मुझे हटा दिया अपने वहां मजा आ गया आपने फरमाया तेरा कितना क्या हो दिया छह हुआ बारह छह दिया अठारह आपने फरमाया छह को उठा ले मुझे खर्च मुझे छह पूरे नहीं मिलने चाहिए थे लेकिन अली का दरबार है कोई छह लोगा क्या जात करोगा कि अली ये दरबार ले गया था ले गया उसने पूछा तेरा कितना कहा कि मेरा तो नवा हिस्सा था फरमाया तो तू तू भी ले जा तो तू भी ले जा फिर अपने गुलाम से कहा ये तो दरबार की एक बजाय से वापस ले जाके वहीं बांध दिया जा वापस वहीं बांध के आ जा अब हिस्सा साफ लगाते रहिएगा अरे ये मुटना जो सिर्फ एक ऊंट लाइन में खड़ा करके फैसला कर दिया था और अपने ऊंट को फिर वापस अपनी जगह पर निकाल दिया था ये फैसला कुमार का फैसला था और निकाल दिया था मुझे अरे मुटना किसी का ऊंट नहीं बना और आपको इधर से ज्यादा मिला और फिर हजरत अली का ऊंट वापस का वापस कर गया नौ ऊंट का छह ऊंट का नौ छह होते कितने दो बच गया अपना मुंह खाकर खड़ा क्यों किया इसलिए किया ताकि हिस्सा लगाने मेरा भारी हो जाए इनके बातें और इनके शरारत के मुताबिक उनको तो टाकराना पड़े और हर को हकदार हर हकदार को उठा अभी राय बोल रहा हूं आगे एक बार और कभी वाले रहने की बात आए दस अच्छे तरह उनके पास कभी तेरा उम्मीदवार बहुत बड़ी क्योंकि मसाला हजरत उस्मान गनी के साथियों को सजा देने का था आपने फरमाया खिलाफत सरकारी है थोड़ा सा मौका तो मिलना चाहिए हजरत सलाह हजरत जो है इन दो शख्सों ने बताया था इन्होंने बैठ नहीं की उन्होंने मोमिनी हजरत ऐसा सुधीजा रसुल्ला उतारा पहले से बाहर थी इन दोनों ने भी मदीना छोड़ दिया और मदीना छोड़ने के बाद हजरत उम्मुल मोमिनीन ऐसा सुधीजा की तरफ रवाना हो गए पूरा कहकर उम्मुल मोमिनीन हजरत ऐसा सुधीजा रसुल्ला उतारा से कहना शुरू किया और साथ में कुछ और लोग भी मिले जो खूने हुसैन खूने और आपको ये पता चला कि हजरत आयशा सिद्दीक का ऊंट पर बैठकर उनके साथ तलहा और जुड़े और उनके साथ एक अच्छी खासी तादाद रखे के लोगों की तथा के लोगों की हजरत अली मुर्तजा पर दबाव बनाने के लिए पहुंच लेके आ रहे अभी तो समझे गए हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला को जब पता चला तो आप भी मदीने से रवाना हो गए बता दी तू देगी रास्ते में पकड़ा पड़ गया उधर से हजरत आयशा सिद्दीका हजरत तलहा हजरत गुहैर और फिर आवरण बचा एक पूरा लश्कर इधर से हजरत अली मुर्तजा हजरत अली मुर्तजा के आवारों अंसार और हजरत अली मुर्तजा के साथ आपकी फौज बदला के मकाम पर जाकर के दोनों का आमना सामना किया न चाहते हुए भी आमना सामना हो गया और तारीख के बाद में किसी को जंगे मुगल कहा गया है आपने सामने की जंगे बाहर हाल की नदियों में हजरत अली मुर्तजा की बरसा तक पहुंच चुके थे बरसा से आप आगे बढ़े कूफे में जा करके आपने अपनी मतलब लगाई चारों शराबत को आपने मदीने से उठा करके कूफे में ले जाकर रखा ताकि हालात पर काबू पाया जाए और काबू पाने के बाद हजरत उस्मान गनी के काफिले का पता लगाया जाए और हजरत
अभी तो संभलने का भी मौका नहीं मिला। नाना बना खुशरा देंगे भुलक के होते हुए थे, मैं इनके साथ रहा दिन में यकीन नहीं रहूंगा। इसलिए कि और हमारे तीन दिन इसको बना करते हैं कि बिना जरूरत चंगे हुआ करके तो फैल को, लेकिन याद रखें ये एक तारीखी हकीकत है, इसलिए उससे इंकार भी नहीं किया। लेकिन तस्वीर ले चुकी नहीं चाहिए कि ना जाने कितने जोर के इस तरह से उसे बताया जाए। आपके पूरा पहुंच गए और ये जंगल पूरा जाना गया। मुल्क शाम तक जब पहुंच गया तो उधर से मुल्क शाम जरा सके गवर्नर हर अगर अमीर मौत का एक पूरा शामी दस्तर दे करके हर अगर ये मुद्रा आपके जंगल दे सकता। मुल्क शाम किसर करके बात पता है और ये मुद्रा को पता चला कि अमीर मौत का है, पता लगाओ क्यों आ रहा पूरे उस्मान गनी का बदला लेने के लिए ये मुजाहरा करने आए हैं कि ओ अली तुम उस्मान गनी के खून का बदला लो। और अगर बदला नहीं लेते तो खिलाफ हम दे दे दो हजरत अली मुद्रा लाने के अपने जान साहब को इकट्ठा किया कोका नहीं और कोका से लेकर के हाथ खिला के दो कर रहा हूं जो यहां तक ये मकान पर पहुंचने के बाद उधर से हजरत अली ने मार दिया इधर से हजरत ने मोरा अली और दोनों हो गया आमने सामने उसको जंगे सत्ताईस के उसको जाएंगे सपैन के नाम से याद किया गया। चंद दिन तक लड़ाई थे दो तरफ से मुसलमान मुस्लिम उधर भी ईमान वाले थे इधर भी ईमान वाले थे जंग उधर में भी वही हुआ था उधर भी ईमान वाले थे इधर भी ईमान वाले थे उधर भी कुरान वाले थे इधर भी कुरान वाले थे। और मसाला ये है कि इन दोनों जो थे गलत किसी को नहीं कह सकते वो भी फौज इस्लाम की थी वही फौज इस्लाम की थी लड़पानिया थी मुहारते थे खदाए की इतिहादी बोले आमना सामना। लेकिन फिर दोनों का हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली मुर्तजा का आपसी कुछ मुहारते की बुनियाद पर सुलह हो गई। जब सुलह हो गई तो अमीर मुआविया मुर्तजा की तरफ रवाना हो गए। हजरत अली मुर्तजा अपने सारे लश्कर को लेकर के कूका की तरफ रवाना हो गए। ये लश्कर जब वापस पलटा तो उस लश्कर में कुछ वो लोग भी थे जो हजरत अली मुर्तजा को पसंद नहीं करते। हजरत अली मुर्तजा को पसंद नहीं करते थे। उनका इरादा ये था कि चंद रोजों नहीं यहां तक कि सजा का झंडा लगा और वो लश्कर वो तो बाकी हुए वो बहुत आखिर तक तो जेबे कभी हजरत अली मुआविया तो थी और जंग बंद कर देने के बाद उन लोगों की कभी तो उनके दिलों में अली मुआविया से थी वही कभी हजरत अली से भी पैदा हो गई और एक नया ग्रुप तैयार हो गया और कहने लगा ला हुक्मा इल्ला बिल्लाह ला हुक्मा इल्ला बिल्लाह और ना तो अली मुआविया का हुक्म चलेगा ना अली का हुक्म चलेगा हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का चलेगा ला हुक्मा इल्ला बिल्लाह। और ये ग्रुप जो अली की फौज से निकला या इस्लाम के सहदारियों से निकला निकलने को अरबी में खर्जा जखरजो खारिज बोलते हैं खारिज कर दिया मदरसे से खारिजा हो गया मदरसे से निकाल दिया गया खारिजा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसी लफ्ज खारिजा से खारिजी बना है कि वो लश्कर है तो ईमान वालों से तो निकला था। और ये इस्लाम का इतना कट्टर दुश्मन हो गया कि अब किसी भी महान पर ये हजरत अली से लड़ने के लिए तैयार मिलते गए लोगों के दिलों दिमाग को बहकाया जाता रहा यहां तक कि पूरा एक ग्रुप हो गया यहां तक कि जब ये पूरा ग्रुप हजरत अली मुर्तजा से जंग लेने के लिए तैयार हो गया हजरत अली को पता चला तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हजरत अली मुर्तजा जहां तक ये इस्लामी लश्कर तो खारिजियों का सारा नशा उतार दिया। जब नशा उतर गया खारिजियों का जंग के बाद तो कुछ तो हजरत अली की फौज में आए कुछ लोग इधर उधर हो गए
اور مہربان جا کر کے انہوں نے رکھ دی. پھر واپس ایک بہت زیادہ نہیں ابھی تو زیادہ سب بھی نہیں ہوا تھا. واپس آئے تو
हम ये बोलो ना मस्जिद जामा में पहुंच करके नमाज अदा कर दे, वो कैसी जामा मस्जिद में मुसल्ले इमामत को आज जो जीना दे दो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाल में हाल में हजरत अली को बोला तो इशारत दे दी। अल्लाह के नबी जब बदर हुए हजरत अली को बोला खुदा उतारा को मालूम पड़ा कहने लगे दरअसल था नाजी क्या मांग रहा कादरबाप चारों तरफ से पुरानी हालात है, हर बचा ही हर बचा रहा है तो देते ही काम करने में दिया जा रहा है, चारों तरफ से सरकार ही अवसर है सरकार इनमें से हमको बचाया जाए। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अभी दुआ करो इन तालीमों से नजात के लिए दुआ करो। अच्छे लोगों में पहुंचा दो और इन लोगों पर इन्हीं के जैसा हाकिम को कर दे। बताते हैं कि जब मैंने दुआ मांगी तो दुआ होती हो, दुआ मांगी तो दुआ और बोलने लेकिन ज्यादा यही आपको 19 तारीख है फजर की नमाज से पहले हजरत अली ने मुतरा मस्जिद जामा पहुंचते हैं, वहां जाकर के आपने अजान लगाई है, अजान सुनकर के लोग मस्जिदों की तरफ चलने लगे हैं। यह कादरीन जिनकी जमात तीन थी और इनका सरदार अब्दुल रहमान इन्हें मुझसे था, पहले तो मस्जिद कुफा में जाकर घात लगाकर खंभों के पीछे बैठकर अमीरों की शक्ल बनाकर इबादत के लिए मस्जिद में खड़े हुए लगे हुए। हजरत अमीर मुर्तजा ने ऐलान किया नमाज के लिए लोगों को पुकारा मस्जिद में जाकर इबादत में लगे हैं, वक्त तो यही था बाकी रस्तों से जा रहा है ये वक्त तो यही था अब तक कातिल क्यों नहीं आया, चाहे उस वक्त देखा अब तक नहीं आया। नीले पानी दो लेकर नमाज सुनना के मौत करा अजय की और नियत बात करके नमाज में मशगूल हुए, पहली रिकात का रुकू किया, रुकू के बाद सजदे में गए, सजदे में जाते ही शबीब की तरफ इशारा किया गया इससे बेहतर कोई मौका नहीं मिलेगा, तलवार चला उसे तलवार चलाई लेकिन लगी नहीं दीवार से टकरा गई, वो खलाहट में सब कुछ होता है, दूसरे साथी ने बैठे थे तलवार मारी लेकिन तलवार वो भी खटा गई, वो हमारी अखिड़की देवता के बजाय अब्दुल रहमान बेटे का मामला हाथ से अगर निकल गया तो आज मामला टिकल जाएगा। आगे बढ़ा और उसने अपने नगर पूरे खंजर को या तलवार को हजरत अली मुर्तजा पर उस वक्त मारा है जिस वक्त ये सब जिंदाबाद आदि आगे अल्लाह की बंदगी में लगा हुआ है, वो तलवार हजरत अली मुर्तजा की पेशानी पर उस कैसा लगी जहाँ अम्र इतने अच्छे खुद का के तौर पर हजरत अली की पेशानी में मौजूद था, इसलिए गुलशन का बार उसी मकान पर लगा एक ही बार मारा।